हेलो बच्चों, मेरा नाम मयंक गौर है और आज के हम वीडियो में सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बार डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ अकाउंट, सिलेबस ऑफ अकाउंट्स जो आपका एप्लीकेबल है सीज़न 2019-20 के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, मुझे लगा शायद तक वही सिलेबस सबसे होगा, लेकिन वो चेंज हो चुका है, तो एक नए सिलेबस के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा रहेगा। बेटा, आप सबको पता है कि टोटल मार्क्स तो अलॉट जो हैं, हमें टोटल मार्क्स जो अलॉटेड हैं वो 100 मार्क्स हैं। उस 100 में से 80 मार्क्स तो आपके रिटन टेस्ट के लिए रहते हैं, ठीक है ना, रिटन टेस्ट के लिए रहते हैं, और बाकी 20 मार्क्स का आपका एक प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इस 20 मार्क्स के लिए भाई 4 मार्क्स की एक फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा 12 मार्क्स का आपका 1 घंटे का टेस्ट होता है, और फिर आपके 4 मार्क्स के लिए आपको वाइवा करना पड़ता है। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 20 मार्क्स का ज़्यादा कोई टेंशन मत लो, इसको जब बाद में और कवर कर लूँगा वीडियो के एंड में। फिलहाल मैं बात करता हूँ 80 मार्क्स की, जो आपका चेंज हुआ है, ठीक है, मैं फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ। हम बात कर रहे हैं अभी 80 मार्क्स के रिटन टेस्ट की। अब बेटा, इसको भी अगर आपको समझना है, मैं इसको तोड़ के समझा रहा हूँ कि 2017 में क्या हो रहा था, इसको अभी देखना, इसको मैं बाद में समझाऊंगा इस चीज़ को। 2017 में क्या रहा था अपन वो देख लेते हैं, 2018 में क्या चेंज हुआ वो देख लो, ताकि 2019 जो आपको इस बार का आपको देखना है, 2019-20 के लिए जो एप्लीकेबल है वो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहले क्या था भाई, पहले आपका एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, सबके पास ये बुक तो आई चुकी होंगी अकाउंट्स की, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप था। इसके अलावा आपका था अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। इसके अलावा आपका था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। मेनली मेजर ये 3 चीज़ों में आपके हिस्से डिवाइड थे, लेकिन अब से क्या हुआ है, पिछले साल से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पहले था एनपीओ, उसको एक्सक्लूड कर दिया था, पिछले साल से एनपीओ वापस लेके आ गए, ठीक है। तो 2017 में क्या था भाई, 35 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप थी, 25 मार्क्स का आपका कंपनीज अकाउंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आपका था 20 मार्क्स का, एनपीओ था ही नहीं 2017 में, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 80 मार्क्स, ऑलराइट। 2018 में क्या हुआ भाई, 80 मार्क्स का तो 80 मार्क्स का है, लेकिन पार्टनरशिप वही 35 मार्क्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनी 25 की जगह कितने की कर दी, 15 की कर दी, 10 मार्क्स कम कर दिए, और वो 10 मार्क्स कहाँ लेके चले गए, एनपीओ में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 20 मार्क्स की थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस बार क्या चेंज किया बेटा, इस बार जो पार्टनरशिप है जो 35 मार्क्स की आती थी, 2019 से ये आपकी आएगी 30 मार्क्स की, ये एक चेंज हुआ। इसके जो 5 मार्क्स हैं किसको दे दिए, अकाउंटिंग फॉर कंपनी को, ये आएगी 20 मार्क्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 20 मार्क्स का ही आएगा, और एनपीओ आपका एज इट इज 10 मार्क्स का, तो ये हो गया आपके 80 मार्क्स। इस साल से 2019-20 को भाई ये वाला मार्किंग स्कीम एप्लीकेबल है, क्या ये बात समझ में आई, 30 मार्क्स की पार्टनरशिप, 20 मार्क्स की कंपनी, 20 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, 10 मार्क्स का एनपीओ। सर थोड़ा और तोड़ दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो 20 मार्क्स की है इसको तोड़ दो, तो भाई इसमें एक मेन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो 8 मार्क्स का दिया हुआ है, बाकी जो चैप्टर हैं 3-4 चुनिंदा चैप्टर हैं, जैसे बैलेंस शीट आप कंपनी, जो कंपनीज की बैलेंस शीट होती है उसके फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आता है आपको वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो इसके अंदर आता है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, ये सब आते हैं 12 मार्क्स के, आप बुक उठाओ, बुक में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चेंज हुआ 30, 20, 20 और 10 वाला, दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है भैया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2018 मतलब जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें क्या था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आते हैं भाई, 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 8 क्वेश्चन आए थे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए थे, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए थे, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए थे और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, टोटल हो गए 80 मार्क्स के। मेनली आपके क्वेश्चन आए थे 23, जिसमें इंटरनल चॉइस दी गई थी 9 क्वेश्चंस में, तो आपको ओवरऑल 32 क्वेश्चन दिए गए थे, क्या बात क्लियर हुई। अब जो मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है,
कि भैया पहले आपके 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आने थे, इस बार आपके 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। सर हम तो बहुत खुश हो गए अब, मतलब अरे वाह ये क्या गजब बात हो गई, 1-1 मार्क्स के तो आराम से कर लोगे। बेटा बड़ी झंझट है, 1 मार्क्स का आपको तभी बनेगा जब आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 1 मार्क्स का है, हल्का सा भी आपने गलत किया नंबर कट हो जाएंगे, अगर बनता है एग्जैक्टली तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जो अच्छे से पढ़ता है उसके लिए तो ये बोनस है, और जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर रहेगा, जो ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, उसको थोड़ी दिक्कत जाएगी। ठीक है, हाँ चिटिंग करके बात कर लो तो एक अलग बात होती है, वो मैं बात ही नहीं कर रहा। 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ये इस बार का है, कब का, ये 2019-20 का मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 6 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 8 मार्क्स के। ओवरऑल पहले 23 क्वेश्चन आते थे, इस बार से 32 क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइस के कितने आएंगे मेरे को नहीं पता, पर मैंने एग्जांपल लिया कि भाई पिछली बार जैसे 9 आपको इंटरनल चॉइस दी थी, तो हो सकता है इस बार भी 9 इंटरनल एग्जाम इंटरनल चॉइस आपको दे। ठीक है, तो लगभग 41 क्वेश्चन लगभग आने चाहिए, 32 तो आने ही आने। अच्छा, आप इंटरनल चॉइस के लिए क्या बोला गया है कि बेटा 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन दोनों में इंटरनल चॉइस रहेगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, बाकी 3, 4 और 6 में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ये आपके बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आया उसमें दिया हुआ है। ज़्यादा आपको बोर्ड का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसकी लिंक मैं देखता हूँ, ज़्यादा वो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, या फिर जो इसकी फोटोज़ है मैं उसकी फोटोज़ वीडियो के एंड में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज था भाई, आपको समझ में आ गया 2019-20 में ये है आपका मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे, 80 मार्क्स की मैंने बात कर ली, अब बात करते हैं किसकी, 20 मार्क्स की। कि सर 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल वर्क आने वाला है, प्रैक्टिकल, उसका क्या करें। तो आपको बताया मैंने कि जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स में से 4 का आपका क्या होगा, फाइल बनेगी, 12 मार्क्स का आपका क्या होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, और 4 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। वाइवा सर कौन आके देता है, बेटा वाइवा एक एक्सटर्नल टीचर आता है दूसरे स्कूल का, वो आपका क्या करता है, वाइवा लेता है। नॉर्मली वाइवा लेना तो चाहिए आपकी फाइल के ऊपर, पर डिपेंड करता है टीचर के ऊपर है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से पूछ ले, और वो लाजमी भी है। भाई आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, आपने कंपनीज पढ़ा है, आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े हैं, पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चाहिए, पर वो कहीं से भी पूछ सकता है, उसके ऊपर है, और आपको बनना भी चाहिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच में क्या अंतर होता है। साल की शुरुआत में देख रहे हो तो ये शायद तुम्हें समझ में ना आए, पर आप समझ जाओगे। DRR क्रिएट करते हैं तो कितना लेवल पे करते हैं, DRR किस प्रकार की कंपनीज के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एग्जम्पशन क्या होते हैं DRR के, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसका वीडियो बाद में ज़्यादा होगा, सेपरेटली हम बना देंगे कि वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 आवर का जो क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैं भी एक जगह टीचर हूँ, मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल वाइवा सर होते हैं वो और हम मिलके आपस में बात कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन देना है। तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं, और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं। ये मार्किंग स्कीम रहती है। नॉर्मली हम लोग देते हैं रेशियो एनालिसिस से, साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो 20 मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के लिए बनाए गए हैं। बात क्लियर है, जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के एनालिसिस के लिए बनाया गया है। ऑलराइट गाइस, वीडियो बंद हो गई थी, मैं ध्यान नहीं दिया था। मैंने आप लोग को बताया था कि 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, उसका फाइल में क्या करते हैं। तो बेटा फाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको जो फाइल बनाने को देते हैं उसके अंदर एक आपको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। उस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली जैसे 2 पार्टनर्स के बीच का आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे देंगे कि भाई उस ट्रांजेक्शन में सब जनरल एंट्री करो, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ट्रेडिंग एंट्री सब बनाओ, उसके बाद फिर उस बैलेंस शीट में सब रेशियो एनालिसिस करो। ठीक है, ताकि हम लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने साल भर में सीखा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लियरिटी है कि नहीं, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नेट से निकालता हूँ ऑडिटेड बैलेंस शीट, कंपनीज के ऑडिटेड बैलेंस शीट निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने निकाल दिया MRF का, MRF की ऑडिटेड बैलेंस शीट निकाली, बच्चों को दे दिया। जैसे मान के चलो हमारे 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 10-10 बच्चों का या 5-5 बच्चों का, सबको एक अलग अलग क्या क्या कंपनी दे दी,
और फिर उस बैलेंस शीट की मदद से, मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बच्चों को देके मैं बोलता हूँ कि बेटे पहली बात तो इस कंपनी को पढ़ो, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा था ताकि बच्चों को जानकारी हो कि भैया कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। उसका उस कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ो, उस बैलेंस शीट को देख के आप मुझे बताओ कि पिछले साल से बेटर परफॉर्म कर रही कि नहीं कर रही है। तो कैसे करेगी, तो उस चीज़ के लिए आपके पास टूल्स हैं जो आप आने वाले समय में पढ़ोगे। टूल्स के हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके टूल्स हैं। इन टूल्स की मदद से आप क्या करो, मुझे बताओ कि कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग ऑडिटेड बैलेंस शीट की मदद से कंपेरेटिव प्लस कॉमन साइज ये दो स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनवाता क्योंकि वो उसमें दिया रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं टिप लेते हैं। मैं कहता हूँ ना ऐसे कोई बात नहीं, करना है तो भाई प्रैक्टिकल करो, तो ये दो चीज़ करवाता हूँ। साथ साथ में रेशियो एनालिसिस करवाता हूँ, फिर कंपेरिजन करवाता हूँ कि बताओ पिछले साल से बेहतर परफॉर्म कर रही है कि कम परफॉर्म कर रही है। अपनी तरफ से मैं करवाता हूँ, स्कूल में अलग जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट में, फिर भी अच्छा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ करवा रहता हूँ बच्चों से लगे हाथ, मैं बच्चों को एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो आपकी बुक से रिलेट करता है वो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें हर एक पॉइंट आ जाता है वो बच्चे करते हैं। तो फाइल के अंत में इनसे ये सब बातें करवाता हूँ। बच्चे कहते हैं सर 4 मार्क्स के लिए आप इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, तो बेटा ये 4 मार्क्स के लिए मेहनत नहीं करवा रहा हूँ, ये मेहनत मैं करवाता हूँ 80 मार्क्स के लिए। ये मैं अपने स्कूल के बच्चों की बात बता रहा हूँ, आप लोग के स्कूल में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देंगे और एक जहाँ तक बैलेंस शीट देंगे बस, ठीक है। तो ये है आपका टोटल ओवरऑल सिलेबस अकाउंट्स फॉर क्लास 12th के लिए 2019-20 के हिसाब से। अच्छा, मेरा नाम मयंक गौर है, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है मयंक गौर नाम से ही है, आप लोग ज़्यादा होगा तो मैं उसमें मैं दिखा दूँ क्या, अभी देखते हैं मैं ज़रा इसमें अगर दिख जाता है तो आपको दिखाता हूँ। बच्चों को क्या प्लेलिस्ट नहीं मिलती, या फिर कह लो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम हमारे मतलब मेरे वीडियोस कैसे देखें। वो लोग कहते हैं सर, मतलब मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर आप प्लीज़ अपने 12th की वीडियोज़ बता दीजिए कहाँ पे हैं। तो मैं बताता हूँ एक तरीका, सिंपली आप जाएंगे मयंक और सर्च मारिएगा, MAYANKGOUR मयंक और आप सर्च मारेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप मेरे चैनल पे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल दिख रहा होगा, दिखना चाहिए, ये मेरा मयंक और नाम से चैनल है। अब यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो बेटा प्लेलिस्ट में देखो क्लास 12th CBSE है, उसके पूरे वीडियोस दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियोस को सर्च कर सकते हो, मैंने बहुत से वीडियोस डाल के रखे हैं, लगभग लगभग हर एक चैप्टर के डाल के रखे हुए हैं। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो आपका पहला चैप्टर है उसके कुछ वीडियोस की, थोड़े थोड़े मैं वीडियो कॉन्सेप्चुअली वीडियोस बनाता हूँ, कुछ क्वेश्चन TS ग्रेवाल के भी सॉल्व किए हैं, तो आप लोग चाहे तो अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन वो मैं इस प्रकार से पढ़ाता हूँ कि वो 12th क्लास के बच्चों को उससे समझ में आए, बेनिफिट मिले, ठीक है। बुक सर कौन से प्रेफर करवाते हो, बेटा बुक मैं प्रेफर करवाता हूँ TS ग्रेवाल क्योंकि वो बहुत अच्छी चलती है। इसके अलावा और भी बुक्स हैं जैसे तुलसियन सर की बुक है, उसके अलावा गोयल सर की बुक है, बुक सभी अच्छी हैं, आपको जिससे बात करनी हो वो करो। मैंने आज तक बच्चों को TS ग्रेवाल करवाई है तो मैं आपको उसी से मेरा मतलब सीधी सीधी बात मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि कब कैसे क्या करवाना है, तो मैं TS ग्रेवाल प्रेफर करवाता हूँ, ठीक है। बुक ज़्यादा होगा तो देखो सर डिस्क्रिप्शन लिंक में, अगर मेरे पास अमेजोन के एसोसिएट आईडी का मैं बना लिया तो बुक को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उससे आप परचेस कर सकते हैं। और बस चैनल से साथ बने रहो, उम्मीद है जैसे आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है, और एक छोटी सी बात और, मैंने इंग्लिश में भी एक वीडियो डाला है सिलेबस का, ट्राई मारा था, तो एक बार देखो कमेंट्स करके बताना कि ठीक ठाक समझ में इंग्लिश आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पहली बार ट्राई किया इंग्लिश में इसलिए मैंने हिंदी में अलग से वीडियो बनाया। टाटा बाय बाय, मैं और भी वीडियो जल्दी अपलोड करता रहूँगा, बाय बाय।